दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल techtudies। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर क्यू। तो पहले जानते हैं कि क्यू क्या होता है। कि जैसे कि हम पिछले ट्यूटोरियल में क्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए जानते हैं कि सर्कुलर क्यू क्या होता है। तो सर्कुलर क्यू एक ऐसा क्यू होता है जिसमें कि जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। मतलब कि जैसे कि ये एक सर्कल है, तो इसमें जो है जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये हो जाता है हमारा सर्कुलर क्यू। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो हो जाता है फ्रंट, और जो लास्ट एलिमेंट हो जाता है वो होता है रेयर। तो जो हमारा जो है ये फ्रंट हो जाता है फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट रेयर हो जाता है। तो जो क्यू होता है इसमें दो ऑपरेशन हेल्ड होते हैं, एक इंसर्शन का एंड डिलीशन का। जो इंसर्शन होता है यानी कि जो न्यू एलिमेंट ऐड होगा हमारे में वो फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे होता है, जबकि जब ऐसा इस टाइम पे होगा जब हमारा रेयर जो होता है वो फुल होता है। अब जो है इसमें दो एलिमेंट होते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन। आइए इंसर्शन एंड डिलीशन के बारे में जानते हैं। तो पहले जान देते हैं कि इंसर्शन ऑफ सर्कुलर क्यू क्या होता है। इंसर्शन में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा सर्कुलर फॉर्म है 10, 20, 30, 40, 50। यह हमारा फ्रंट है, यह हमारा रेयर है। तो इंसर्शन में क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा स्टार्ट, सेकंड इफ एफ इक्वल टू आर प्लस वन का परसेंट एन, देन अगर जो है ये कंडीशन अप्लाई होगी तो क्यू इज फुल, अदरवाइज एल्स फिफ्थ प्लेस पे, फिफ्थ प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी आर इक्वल टू आर प्लस वन का परसेंट एन, सिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा एलिमेंट, एंड सेवेंथ है स्टॉप। तो ये होता है हमारा इंसर्शन का जो होता है एल्गो। इस मीन्स इसमें इंसर्शन में क्या होता है कि जब हमारे सर्कुलर क्यू में कोई एक न्यू एलिमेंट ऐड होता है तो जो हमारे रेयर की वैल्यू होती है वो इंक्रीमेंटेड बाय वन होती है, जैसे कि आर प्लस वन। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि ये हमारा एक प्लेस था, ये हमारा आर है, अब हमने एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी तो ये हमारा यहाँ 50 हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो आर प्लस वन यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं कि इंसर्शन ऑफ सर्कुलर क्यू। अब जानते हैं कि डिलीशन ऑफ सर्कुलर क्यू क्या होता है। तो जो हमारा डिलीशन ऑफ सर्कुलर क्यू होता है इसमें जब हम कोई एक वैल्यू डिलीट करते हैं तो हमारे जो फ्रंट की वैल्यू होती है वो एक वैल्यू बढ़ जाती है उसका। तो क्या होता है डिलीशन में मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 लिखा हुआ है, ठीक, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा रेयर है। तो इसका एल्गो क्या हो जाएगा, स्टार्ट, सेकंड है इफ F इक्वल टू जीरो इक्वल टू आर, देन हमारा क्या हो जाएगा Q इज एम्प्टी। क्यों, क्योंकि जब हमारा फ्रंट और रेयर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो हमारा Q क्या हो जाता है, वो एम्प्टी हो जाता है। देन एल्स देन फिफ्थ प्रोसेस क्या हो जाएगी, क्यू एफ इक्वल टू एलिमेंट, सिक्स क्या हो जाएगी एफ इक्वल टू एफ प्लस वन का परसेंट, एंड सेवेंथ है स्टॉप। ये हो जाती है, इसका मतलब कि अगर हम सर्कुलर क्यू में से कोई एक एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं तो जो हमारे फ्रंट की वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है, जबकि रेयर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अगर ये 10 की वैल्यू हमने डिलीट कर दी यहाँ से तो हमारा जो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और फ्रंट जो है हमारा इंक्रीमेंटेड बाय उसकी प्लेस जो है एक बढ़ जाएगी। तो ये होता है कि हमारा डिलीशन ऑफ सर्कुलर क्यू क्या होता है। ये होता है सर्कुलर क्यू और उसके ऑपरेशन होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।